हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी के ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है। इस मूवी का नेम है बाजार। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसपे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसपे मेरा रिएक्शन। अरे वाह, एक एडवाइस दे रहा हूँ, धीरे दौड़। जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। वर्ल्ड बेस्ट मैराथन रनर का नाम बता। और 100 मीटर चैंपियन यूसेन बोल्ट। करेक्ट। मैराथन में दौड़ने वालों को कोई याद नहीं रखता दीपू। मैं हूँ रिजवान अहमद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लौंडा। शकुन कोठारी के साथ काम करना, बड़ा आदमी बनना मेरा सपना है। इस कमरे में ये कॉफी बेच के दिखा, ये कॉफी बेच के दिखा। शकुन कोठारी मेरा खुदा। हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। मुझे सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है, पैसा उसका जो धंधा चलता हो। और मैं उन धन दोनों कंधों से करूं। वो मन वचन अनिकाय थी, मिर्चा में तो खड़ा। ओ वाओ, चांस नहीं देगा तो क्या होगा? मैं दे रही हूँ चांस। बेहतरीन। ओ वाओ, क्या बात है, ऑसम। छोकरो होशियार छे। वेलकम टू मुंबई रिजवान अहमद। मेरे जैसे बनने के लिए लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। करो ये लाइन क्रॉस। याद रहे मेरे दो ही रूल हैं। रूल नंबर वन, मेरा पैसा कभी खोना नहीं। और रूल नंबर टू, रूल नंबर वन कभी भूलना नहीं। क्या बात है, बेहतरीन, जबरदस्त। मजा उसे। वाओ, क्या बात है, ऑसम, मजेस्टिक। वाओ, ये 5-7 फैमिलीज चला रही है। टाटास, बिरलास, रुयास, अंबानीस, वाटियास, थोड़ा तो गेम चेंज होना चाहिए। क्या बात है, कोठारी, सुपर, एक्सीलेंट, जबरदस्त, मजा ही आ गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसपे मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। ये हिंदी लैंग्वेज मूवी है, ड्रामा, क्राइम और थ्रिल से भरपूर है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है गौरव के चावला ने, और इस मूवी को लिखा है असीम अरोड़ा ने और उनके साथ परवेश शेख ने। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है निखिल आडवाणी ने, विवाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स, कायता प्रोडक्शन, एनमी एंटरटेनमेंट एंड बिफोर यू मूवीज। यानी ये काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल है इस मूवी की प्रोडक्शन में। वाओ, बेहतरीन। और जिस हिसाब से मूवी का लुक लग रहा है तो वाकई में ज़ाहिर है सब ने मिलकर ही किया है काम, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जो कि पता चल रहा है बेहतरीन तरीके का। और इस मूवी की जो कास्ट में शामिल है वो है सैफ अली खान, रोहन मेहरा, डेंजिल स्मिथ, चितंगरा सिंह एंड राधिका आप्टे शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स एंड पनमोरा स्टूडियोज़। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग सा था, और बहुत ही ज़बरदस्त सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन पे लोकेशन और एक तरह से आप कह लें डायलॉग, और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के सब्जेक्ट पर काफ़ी डिफरेंट किस्म की मूवी है, जिसको आप जब देखेंगे तो भरपूर इंजॉय कर सकेंगे। फुल ऑन कम्प्लीट इंटरटेनमेंट पैकेज की माने थे, और सैफ अली खान की जो मूवीज़ होती हैं काफ़ी डिफरेंट किस्म की मूवीज़ होती हैं और फुल ऑन एंटरटेनमेंट होती हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिक किस्म का काम करते हैं और बहुत बेहतरीन किस्म का काम करते हैं। मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं, वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, और जिस भी किरदार में घुसते हैं और उसको निभाते हैं बेहतरीन तरीके से। और यही वजह है कि उन्होंने इतना नाम, शोहरत, इज्जत, मकाम
कमाया अपनी यूनिक पर्सनैलिटी और अपनी यूनिक एक्टिंग की वजह से। और इनके जो फैंस हैं, इनकी मूवीज़ का शिद्दत से वेट करते हैं। इनकी मूवी साल में एक आती है, दो आती है, दो दो तीन तीन साल गुजर जाते हैं फिर आती है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अच्छे काम पे करने पर ये यकीन रखते हैं और बेहतरीन किस्म का काम करते हैं, जो कि अपनी मिसाल आप है और बहुत टैलेंटेड शख्स हैं। जितनी इस हवाले से बात की जाए कम है। इस मूवी के अंदर भी इन्होंने बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखाई है और डिफरेंट लुक्स के अंदर आपको इनमें देखने को मिलेंगे, जो कि इससे पहले इन्होंने शायद ये नहीं निभाए होंगे रोल, जो कि इसमें निभाएंगे और बेहतरीन तरीके से उन्हें निभाएं, जो कि परफॉर्मेंस से भरपूर है, जो कि पूरे ट्रेलर के अंदर बेहतरीन तरीके से वाजे हो रहा है। और मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा और ट्रेलर की लेंथ भी अच्छी थी, जिसमें काफ़ी कुछ वजाहत के साथ दिखाया गया, यानी कि आप कह लें जो मूवी का ट्रेलर है, मूवी की तमाम नुमाया खसूसियात के तमाम पहलुओं को वाजे करके बेहतरीन तरीके से उजागर करके मूवी के गोशे गोशे में चार चांद लगा रहा था, जो कि मैंने तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ देखा, क्योंकि मेरे सैफ अली खान जो है फेवरेट में से एक हैं, यानी कि मोस्ट फेवरेट में से एक हैं, जो कि ज़ाहिर इतना ज़बरदस्त किस्म का काम करते हैं क्या ही कहना है। और जो कि इसमें भी इन्होंने काफ़ी डिफरेंट और बेहतरीन किस्म का काम किया, और इसके अलावा जो दीगर कास्ट है, जो कि वो भी मतलब उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया, एक तरह से आप कह लें कि बहुत जम के अदाकारी आपको उसमें मिलेगी, परफॉर्मेंस से भरपूर, और योहानी सिंह के सॉन्ग्स ही मिलेंगे। वाह क्या बात है, एक सॉन्ग मेरा ख्याल में योहानी सिंह का है आई थिंक सो, जो कि इसमें दिखाया गया है। और इसके अलावा दीगर और एंटरटेनिंग सॉन्ग भी हैं जो कि आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आप एक तरह से कह लें फुल ऑन कम्प्लीट इंटरटेनमेंट पैकेज की मानी थी मूवी, और जिसे आप देखेंगे तो भरपूर इंजॉय कर सकेंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपने कुछ ज़बरदस्त किस्म का देखा, जो कि मज़ा ही आ गया, क्योंकि सब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया और बहुत ही यूनिक और मज़ेदार किस्म की मूवी लग रही है, जिससे सब कुछ ट्रेलर के अंदर वाजे हो रहा है। मैंने तो भरपूर इस ट्रेलर को एंजॉय किया, मज़ा ही आ गया इसे देख के। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।